Oh. चिंतन की अनगढ़ता ही दरिद्रता है बहुसंख्यक लोगों की मान्यताएं, आस्थाएं, विचारणाएँ इच्छाएं और गतिविधियाँ ऐसी है जिन्हें दूरदर्शी विवेकशीलता की कसौटी पर सही नहीं माना जा सकता तात्कालिक लाभ की कल्पना में आकुल व्याकुल होकर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सके और यह सोच सके कि आज की उतावली कल कितने बड़े दुष्परिणाम उपस्थित कर सकती है ऐसा उत्कट आवास न होने पर गाड़ी ढर्रे पर चलती रहती है भली बुरी आदतें अपने स्थान पर जमी रहती हैं और मनुष्य व्यामोहग्रस्तों की तरह वैसा ही करता रहता है जैसा कि दूरदर्शी विवेकशीलता के रहते वैसा करना अनुचित एवं हानिकार माना जाता है मनुष्य स्वभाव से अनुकरण प्रिय है इर्द गिर्द के लोगों को जैसा करते देखता है उसी की नकल बनाने लगता है उचित अनुचित का विवेक करने के लिए तो विकसित विवेकशीलता ही चाहिए उसका प्राय अभाव रहता है जैसा कुछ अधिकांश लोगों को करते देखा जाता है उसी को सही मानने और अनुकरण करने का मन बन जाता है दुर्व्यसन प्राय इसी कारण छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं क्योंकि उन्हें अधिकांश लोग अपनाते दिखते हैं अस्तु तो विचारों के संयोजन पर पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए चिंतन को सुगढ़ बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए अखंड ज्योति अक्टूबर उन्नीस सौ उनासी पृष्ठ अड़तालीस